हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजेंद्र सिंह फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन फोर्थ। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द लेसन फॉर क्लास टेंथ। एनी अपनी डायरी में लिखती है, पहले वो डियरेस्ट किट्टी लिखती है कि आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी जो पूरी क्लास है वो कांप रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फोरम एंड हु विल बी कैप्ट बैक। हमारी क्लास पूरी क्लास है वो बैक से कांप रही थी। इसका रीज़न था कि आने वाली मीटिंग जिसमें टीचर ये डिसाइड किए करेंगे कौन सी अगली क्लास कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन पीछे रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास शर्त लगा रही थी। जी एन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस। जी एन और मैं खूब हंसते हैं, दो लड़के जो हमारे पीछे बैठे हुए थे सी एन और जैक्स उन पे हु हैव टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। और उन्होंने अपनी जो सारी हॉलीडेज की बचत है वो शर्त पे लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज यू आर गोइंग टू पास, नोट आई एम नोट, येस यू आर, नो आई एम नोट, इवन जी इज प्लीडिंग ग्लैंसर्स एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कैन नॉट काम देम डाउन। और जो सारी क्लास है वो शर्त लगा रही थी यानी मॉर्निंग टू नाइट यानी सुबह से रात तक वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यू आर गोइंग टू पास कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जी है उसने सबसे प्रार्थना की शांत रहने के लिए और मेरा जो गुस्सा है वो भी उनको शांत नहीं कर सका। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो इतने मूर्ख है हमारी क्लास में कि जो एक चौथाई है वो क्लास फेल हो जाएगी। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। लेकिन जो टीचर है वो ऐसे प्राणी है धरती पे जिन पे जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड एंड माई सेल्फ। मैं अपनी जो सहेलियाँ है और मेरे बारे में कोई चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इस मैथ, कि मैथ में मैं श्योर नहीं हूँ। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, कि हम जो कुछ कर सकते हैं वो है वेट। अनटिल देन तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नोट टू लसट, और तब तक हम एक दूसरे को ये कहते रहेंगे कि आप अपना दिल मत तोड़े। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर, मैं अपने बाकी टीचर के साथ अब तक ठीक रही हूँ। दे आर नाइन है टोटल, सेवन मैन और टू वोमेन। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचर मैथ, मिस्टर कीसिंग जो पुराने किस्म का एक व्यक्ति है जो मैथ का टीचर है, वो आज एन्योयड विद मी फॉर एजिस बिकॉज आई टॉक, वो जैसे काफ़ी समय से मेरे से नाराज़ रहा था क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई वार्निंग के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन एसे, उसने मुझे एक एसे दिया जिसका विषय था चैटर बॉक्स यानी बातूनी। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, चैटर बॉक्स इसके बारे में तुम क्या लिखोगे।
आई डिड वरी अबाउट द दैट लेटर, और मुझे अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड, और मुझे इसके बारे में बाद में मुझे इसके बारे में चिंता थी, फिर मैंने डिसाइड किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपने नोटबुक में टाइटल लिखा, टक्ड इन माय फिर इसे अपने बैग में डाला और मैंने शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस इवनिंग मैंने अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद द नोट अबाउट द एसे कोट माई आइस, कि एसे के बारे में जो नोट था उस पर मेरी नज़र गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, फिर मैंने सोचना शुरू किया सब्जेक्ट के बारे में पेन की नीब को चबाते हुए। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, कोई भी ऐसे मतलब बड़े बड़े स्पेस छोड़ता हुआ अव्यवस्थित तरीके से लिख सकता है, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप द विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द, कि ये बात ये ट्रिक से हमें प्रूव करना था, विश्वास दिलाने वाले आर्ग्यूमेंट बनाकर कि किस प्रकार से प्रूव की जाए नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की अनिवार्यता के बारे में। मैंने सोचा एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मेरे फिर दिमाग में आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर कीसिंग ने मुझे वर्क दिया था एंड वाज सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, फिर मुझे ये आया कि टॉकिंग होती है वो स्टूडेंट की आदत होती है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको कंट्रोल करने की। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं होंगी अपनी इस आदत को सुधारने में, क्योंकि उसकी मदर भी उसी तरह बातें करती है जैसे कि मैं करती हूँ। And there is not much you can do about inheritance, और जो आदतें हमें विरासत में मिली होती है अपने पेरेंट्स से मिली होती है, there is not much you can do about in, इनके बारे में हम ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते सुधरने की। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर कीसिंग मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे काफ़ी हंसे। बट वैन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, फिर मैं वैसे ही बात करती रही जैसे नेक्स्ट क्लास लगी थी उसमें। ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, फिर उसने मुझे एक और ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन, इस टाइम इस ऐसे का टॉपिक था एन इनकोरिजिबल टैक्स चैटर बॉक्स, एक नए सुधरने वाला बातूनी। आई हैंडेड इन इट एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट द फॉर टू वो लेसन। आई हैंड इन इट, मैंने इसे लिया और मिस्टर किसिंग ने कोई कंप्लेन नहीं हुई अगले 2 पीरियड के लिए। हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ, एनी फ्रैंक एज पुनिश फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे Entitled Quack 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 said Mr. Chatterbox। और थर्ड लेसन के दौरान
फाइनली आखिरकार क्या है? काफ़ी हो गया एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए। राइट एनी, तुम ऐसे लिखो एक क्वैक क्वैक क्वैक, ये ऐसे उसे लिखने के लिए दिया गया। द क्लास रोएड, क्लास है उसमें जैसे शोर हुआ। आई हैड टू लॉफ टू, मुझे भी हंसना था। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, यद्यपि मैं भी थक चुकी थी। माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक की चैटर बॉक्स पे के बारे में जैसे सोचते हुए, उसकी आदत के बारे में। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, उसने सोचा अब कुछ ऐसा ओरिजिनल ही लिखा जाए। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, उसकी जो फ्रेंड है जो पोइट्री में अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मेरी कहा कि वो उसकी मदद करेगी शुरू से अंत तक लिखने में, जैसे कविता के रूप में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मुझे खुशी हुई। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, और मिस्टर किसिंग कोशिश कर रहे थे मेरे पे जोक खेलने की इस हंसाने वाले सब्जेक्ट से। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ओनी, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जोक ये उन्हीं पे होगा। आई फिनिश माई पोइम, मैंने अपनी पोइम फिनिश की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये बहुत सुंदर पोइम थी, एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी, बतख और हंस के बारे में। विथ थ्री बेबी डकलिंग, जिनके तीन बच्चे थे, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, और उन्हें मार दिया गया फादर के द्वारा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे, जैसे क्वैक क्वैक करते थे। मिट किसिंग टुक द जोक राइट वे, इस प्रकार जब उसने ये लिखा तो मिस्टर किसिंग ने उसके जोक को ठीक राइट वे से लिया। ही रीड द पोइम टू द क्लास, में उसने पोइम पढ़ी। एडिंग इज ओवन कॉमेंट्स, अपने कॉमेंट्स भी उसने ऐड किए। एंड फॉर सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी क्लासेज कई क्लासों में। सिंस देन आई हैव बीन अलाव टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, फिर मुझे बात करने की इजाज़त मिल गई और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स थ्री डे दिस डे, यानी इसके भी इन दिनों आजकल मिस्टर किसिंग है वो भी जोक करते हैं। यूअर जैनी, तो इस प्रकार से ये डायरी में लिखा गया एनी के द्वारा। तो आपको जो इस लेसन के क्वेश्चन राइट करने हैं वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको राइट करने, इनमें से जो क्वेश्चन आप पहले राइट कर चुके हैं वो मत करना, बाकी क्वेश्चन आप ये राइट कर लेना। ओरल चेक के क्वेश्चन है ये, इस प्रकार से किसी भी हेल्प बुक से आप ये ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हो, यहाँ से भी आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो। इसके बाद
क्वेश्चन ये 3 नज़र आ रहा है, हमें ये लिखना है क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 6 तक ये क्वेश्चन आपको लिखने का से इस प्रकार आपको ये 6 तक क्वेश्चन लिखने हैं। थैंक्स।